सभी को मेरा नमस्कार। सरकार हम पे समझौते का प्रेशर बना रही थी लेकिन कोई समझौता नहीं है। कल जो 28 तारीख है उसको महिला सम्मान महापंचायत नई संसद के सामने होगी। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महिला पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जारी है और पहलवानों को इस वक्त दिल्ली पुलिस हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामे के बीच बीच सड़क पर जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था, नए संसद भवन की तरफ कूच कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिया जा रहा है। इस बीच साक्षी मलिक का बयान सामने आया है। जी हां, साक्षी मलिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पति सत्यव्रत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले साक्षी मलिक का जो बयान सामने आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, साक्षी मलिक ने दिल्ली पुलिस पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना प्रदर्शन जो है वो खत्म कर दे। ऐसे में बड़ा आरोप यहाँ पर साक्षी मलिक की तरफ से लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। साक्षी मलिक का ये बयान काफी हड़कंप मचाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस बयान में, सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। सरकार हम पे समझौते का प्रेशर बना रही थी लेकिन कोई समझौता नहीं है। कल जो 28 तारीख है उसको महिला सम्मान महापंचायत नई संसद के सामने होगी। आप सब से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और पुलिस से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारी जो भी टीम जो भी महिलाएं आ रही उनको रोका ना जाए और बॉर्डरों को भी ना सील किया जाए, क्योंकि हम शांति की अपील करते हैं और जो भी हिंसा करेगा उससे हमारा कोई वो नहीं है। अवांछित तत्व जो भी हिंसा करेगा वो उसका जिम्मेवार खुद होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने साक्षी मलिक के इस बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से केंद्र सरकार के दबाव में आकर के काम कर रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जिस तरीके से पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है उसको लेकर के अब तमाम अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।